मुख्य द्वार वास्तु दोष के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे मेन गेट के सामने कुछ ऐसे वास्तु दोष का जिसके कारण आपके घर परिवार के लोगों में भयंकर और असाध्य ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनके कारण परिवार में बर्बादी ही बर्बादी होती है। जी हां, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के सामने, जी हां, आपका घर का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने कुआं, तालाब या पानी का भराव अगर है तो ऐसी स्थिति में द्वार वेद वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इस वास्तु दोष के कारण घर परिवार के लोगों में मिर्गी की समस्या, चक्कर आने की समस्या, माइग्रेन, हेडेक और साथ ही साथ फेफड़ों में, श्वसन तंत्र में तकलीफें, सांस लेने की दिक्कतें या फिर दमा तक की बीमारी का सामना घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर करता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर घर के सामने कुआं, तालाब या जल का भराव होगा तो उस परिवार के किसी ना किसी अविवाहित बच्चे की अकाल मृत्यु जरूर होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखिए, अगर ये कुआं, तालाब या जल का भराव साउथ में, साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट या फिर ईस्ट साउथ डायरेक्शन में होगा तब तो ये बहुत ज्यादा भयानक और बर्बादी का कारण बन सकता है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और उनके पास ना खाने को रहता है, ना पीने को रहता है और ना ही कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए रहता है। सारी जमीन, जायदाद, संपत्ति सब कुछ बिक जाती है। अगर आपके घर के बाहर भी है ऐसा वास्तु दोष तो तुरंत उसे ठीक कर लीजिए। और आप जानना चाहते हैं उसे ठीक करने का आसान और सरल उपाय तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जय महाकाल, हर हर महादेव।